जो आजकल तोप वगैरह होती है हमारी, उस टाइप की गन्स हैं ये, और ये काफी सारी हैं इधर, यहाँ रखी गई हैं। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? तो हम दीव पहुंच गए भाई, जिसके लिए गुड़गांव से निकले थे। गुड़गांव टू दीव हिचहाइक करके आने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा बीमार हो गया भाई अहमदाबाद पहुंच के, और इसलिए मैं हिचहाइक नहीं कर पाया। जो लास्ट मेरा अहमदाबाद से दीव तक में आया, वो बस में आया, एक नाइट बस मैंने ले ली थी, तो सुबह पहुंच गया था। और चलिए कोई बात नहीं, चलता है, हेल्थ फर्स्ट, सेहत पहले भाई, ये सब गोल्स तो बाद में भी अचीव होते रहेंगे। तो अभी का सीन ये है कि कुछ खाने चलते हैं। अभी तो खाए नहीं है मैंने कुछ सुबह से, तो अपना अभी वैसे टाइम लंच का हो गया, तो लंच वंच करेंगे और थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते हैं, देखते हैं आसपास अगर कुछ है तो दिखाता हूँ आप लोगों को भी। कोशिश यही है कि आज शाम तक जितना टाइम बचा है मेरे पास, 5 घंटे के आसपास जो अभी बचे हैं, 4-5 घंटे हैं, उनमें कुछ एक दो जगह तो मैं कम से कम, दो जगह तो मैं कम से कम जाके हूँ जो आसपास हुए हैं। तो ठीक है, चलिए पहले तो अपना लंच का इंतज़ाम करते हैं, पेट भरते हैं, पहले तो पेट पूजा करेंगे, उसके बाद देखेंगे कुछ ना कुछ। तो तकरीबन 10 मिनट पैदल चलते चलते मैं आ गया हूँ जालंधर बीच पे। हाँ ये जालंधर बीच है भाई, अभी तो शांत पड़ा है, वैसे गर्मी सी तो है पर मेरे को इतनी भी नहीं लग रही कि मैं पानी में कूद जाऊँ। पहले ठीक हो लेते हैं भाई ढंग से, फिर देखेंगे पानी की तरफ। चलो वही ऊपर चढ़ के देखते हैं क्या है यहाँ, ऊपर चढ़ के लोग तो हैं इधर घूम रहे हैं। ये जालंधर बीच का हाईएस्ट पॉइंट है भाई, देखने को तो ऊपर चढ़ के वैसे कुछ नहीं है, चारों तरफ यही है, पानी ही पानी है, देख लो जितना देखना है। हवा बड़ी जबरदस्त हो रही है यार। तो ये जो सामने देख रहे हो भाई, ये डॉक है, मतलब हार्बर दमन एंड दीव, और वो उस तरफ जो वो बीच दिख रहा है और ये इतनी सारी बोट्स खड़ी हैं, वो दीव यूनियन टेरिटरी से बाहर का एरिया है, वो गुजरात जो स्टेट है उसका एरिया आ जाता है वो। ये हार्बर और डॉक जो है ये दीव आइलैंड का है। तो चलिए अभी थोड़ा सा चलते हैं अंदर। अभी सामने जो व्हाइट कलर के आप देख रहे हो बोट्स, ये पुलिस की बोट्स हैं, दीव दमन दीव पुलिस। ये भाई काफी कुछ सुवेनियर्स हैं, आप ले जा सकते हो यहाँ से खरीद के। जूते, सैंडल वगैरह, बच्चों के खिलौने, मेकअप, मेकअप का आइटम बहुत है यार यहाँ। तो ये थोड़ा बहुत खाने पीने का चटर पटर। तो ये पूरी स्टॉल्स वगैरह लगती है भाई यहाँ,
हार्बर है उसके पास या छोटी सी मार्केट है टेम्परेरी, चलो है तो परमानेंट, पर भी स्टॉल्स वगैरह लगे हैं इसलिए टेम्परेरी बोल रहे हैं, मतलब पक्की नहीं है। तो चलो अब आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, डॉक्स पे घूमते हैं। ये सारे के सारे फिशिंग बोट्स हैं, इनमें देखो कितने बड़े बड़े, ये जो इस ग्रीन कपड़े के नीचे ये पूरा नेट है, बहुत बड़ा नेट है यार ये तो। ठीक है अब चलते हैं पीछे वाले, वो पीछे दीव फोर्ट की तरफ, उधर है दीव का फोर्ट पीछे मेरे, वो फोर्ट पे चलते हैं और ठीक है घूमते घूमते पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर अभी अपने को और कुछ काम भी नहीं, घूमना ही है तो ठीक है चलते हैं, घूमते घूमते पहुंच जाएंगे 5-7-10 मिनट में। चलो दीव फोर्ट भी दिखाता हूँ आपको, ये सामने है भैया जी दीव फोर्ट। हाँ और अभी चलेंगे इसके अंदर, देखते हैं दीव फोर्ट में क्या है और ये कब बना था, क्यों बना था, किसने बनाया था, सारी चीजें देख लेंगे और आपको भी बता दूंगा सारी चीजें। ये है जी किले की एंट्री यहाँ से, चलिए अंदर तक चलते हैं, पूरा एक बार घूम फिर के देखते हैं फिर बताता हूँ उसके बारे में डिटेल में। ये जो है ये प्रिजन है, जेल है भाई, ये यहाँ पे जेल बनाई हुई थी पुर्तगालियों ने, इसका नाम है पानी कोठा, अभी तो मेरे ख्याल से अबेंडन है ये, अभी इसमें कोई जेल वेल कुछ नहीं है, ऐसे काम धाम तो इसका अभी हाल फिलहाल में किया गया है दिख रहा है पर अभी यूज में नहीं है मेरे ख्याल से फिलहाल, मतलब सिविलियंस तो नहीं जा सकते यहाँ, कोई ना कोई सरकार का काम धाम चल रहा होगा इसमें, तो इसको पानी कोठा बोलते थे और ये पुर्तगालियों ने ही बनाई थी भाई, अभी तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करके थोड़ा बहुत रेनोवेट किया गया है और काम में ले रहे हैं इसको किसी तरह से, बट सिविलियंस के लिए बंद है फिलहाल, मतलब हो सकता है चालू हो बट मुझे रास्ता नहीं दिख रहा कहीं से, एक उस तरफ से है मिट्टी का रास्ता, एक वो कोई आंटी जी जा भी रही है वहाँ दिख रहा है मेरे को, यहाँ से कोई आंटी जी जा भी रही है बट मेरे को पता नहीं उसके अंदर क्या है, अगर पब्लिक के लिए खुला होता तो वहाँ जाने का बिल्कुल ऑब्वियस है कोई रास्ता होता, तो उधर कोई जा भी नहीं रहा है, तो चलिए अभी हम फिलहाल तो इसके ऊपर चलते, ऊपर क्या है मतलब है तो क्या कुछ ही नहीं है फिलहाल, तो खंडर ही पड़ा है ये पर फिर भी देखते हैं चल के। तो ये एक INS खुकरी का वो है भाई प्रोटोटाइप है, मतलब एक सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे रखा गया है इसको, मतलब INS खुकरी एक अकेला शिप है जो इंडियन नेवी ने अभी तक खोया है किसी वॉर में या किसी भी तरीके से, तो उसका एक मेमोरियल ये यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान का वार था उसमें 3 टॉर्पीडोज लगे थे INS खुकरी को, तो उसमें वो सिंक कर गया था, उसमें काफ़ी कैजुअलिटीज हुई थी, ऑफिसर्स वगैरह काफ़ी मारे गए थे, उसमें 18 ऑफिसर्स और 176 सेलर्स थे जिनकी जान चली गई थी, तो उसके उसकी मेमोरीज में ये यहाँ उसका एक वर्जन, उसका एक प्रोटोटाइप यहाँ पे रखा गया है, INS खुकरी P-49 है उसका नाम था, तो उसको एक ट्रिब्यूट है ये। चलिए अब चलते हैं फोर्ट के अंदर।
ये कुछ पुर्तगाली में लिखा हुआ है यहाँ पे, कोर्नेंडो एस्टा फोर्टा ओर्टा, कुछ पता नहीं क्या लिख रखा है। मतलब पुर्तगीज इंग्लिश भी नहीं है, मतलब वो है स्क्रिप्ट इंग्लिश की है बट वर्ड्स कुछ और। ये हाँ ये देखो, ये क्लॉथ वॉशिंग रूम लिखा हुआ है इस पे, एक घंटा भी है पीछे, घंटा टंगा हुआ है। और ये इस किले में एक टावर था जिसपे कैनन्स रखे थे, ये देखो भाई, मतलब एक दो तीन चार छह, तो काफी सारे हर इस छेद में से एक कैनन था, पर शायद इधर उधर शिफ्ट कर दिए गए, उठा के तो कोई ले जाने से रहा इनको, नियर टू इम्पॉसिबल है इंसान तो इनको उठा ले। और ये सबसे ऊंचा स्पॉट है, चलो एक बार यहाँ चलते हैं इसमें। मतलब इससे ऊंचा पॉइंट तो वो लाइट हाउस है भाई, और इस किले में मेरे ख्याल से इससे ऊंचा तो और कोई पॉइंट है नहीं, तो बाकी वहाँ लाइट हाउस पे भी देखते हैं, अगर चले जाया जाएगा तो ऊपर, कोई जाने देगा तो ऊपर भी चलेंगे। ये इस जेल तक आने का भी रास्ता दिख रहा है, जो ये बीच में सैंड दिख रही है, ये रास्ता वहाँ तक जो उस तरफ गुजरात वाला एरिया है उसमें लगता है, जो गुजरात स्टेट का है उसमें मिल जाता है जाके। ये छोटा सा लाइट हाउस है भाई सामने किले के एक एंड में, और इतने सारे कैनन रखे हुए हैं यार, मतलब एक दो तीन चार, चार तो अभी फिलहाल भी रखे हैं इसके लाइट हाउस के पास। और इस तरह देखो, मतलब किले के किसी भी पार्ट में चले जाओ आप, इतने इतने कैनन रखे हैं, तो सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट होगा ये पुर्तगालियों के लिए भी और बाकी सब के लिए भी, क्योंकि उस टाइम क्या है, मुंबई डेवलप हुआ नहीं था, मुंबई बना था बाद में, और ये था दीव जो था ये एक प्लेस ऑफ इम्पोर्टेंस था, जो ट्रेड रूट्स थे उनमें, जो सी रूट्स थे उनमें बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी ये, तो इसका होल्ड जिसके पास होता था उसके पास पावर हमेशा बड़ी होती थी, तो इसलिए ये जगह इम्पोर्टेंट थी, इसको इतना सिक्योर इसलिए बनाया गया था ताकि बाहर के इन्वेडर जो भी हैं, जितने भी इन्वेजन हो, जितने भी अटैक्स हो, सबको अच्छे से टैकल किया जा सके, इसलिए इतनी सिक्योरिटी थी इसकी। तो अभी एक दो जगह और बाकी है इसमें, जो वहाँ एक बार लाइट हाउस पे, जो बड़े वाला लाइट हाउस है जो ये सामने दिख रहा है, इस पे और चल के देखते हैं, अगर वहाँ जाने की परमिशन होगी तो वहाँ भी चलते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से बाहर चलेंगे और देखते हैं दूसरी जगह कहाँ जाना है, और चलते चलते फिर मैं आपको बताऊँगा इसका किले का इतिहास, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं लाइट हाउस पे। तो ये जो छोटा सा पिलर देख रहे हो आप, एक ये है और एक ये है, ये काफ़ी जगह मिलेंगे आपको इस किले में, इसी इसमें नहीं और भी काफ़ी सारे किलों में ये आपको मिल जाएंगे। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि इस पर घोड़ा बांधा जाता था बस, और कोई इसकी खास इम्पोर्टेंस नहीं थी, मगर कोई भी आता था घोड़े पे बैठ के यहाँ डायरेक्ट यहीं तक आता था, जो ये यहाँ का पॉइंट था, जो यहाँ पे ये कैनन्स वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ तक डायरेक्ट घोड़ा आता था, घोड़ा से उतरा यहाँ, घोड़ा बांधा और अपना काम शुरू कर दिया जो भी था, बस इसका काम सिर्फ और सिर्फ घोड़े बांधने के लिए होता था, और कोई इसका ज़्यादा यूज़ नहीं था। और एक ये कमरा सा कुछ है भाई, ये उन कैनन से कुछ नए टाइप के गन्स हैं, जो आजकल तोप वगैरह होती है हमारी, उस टाइप की गन्स हैं ये। और ये काफी सारी हैं इधर यहाँ रखी गई हैं। जैसे ये है, इसमें तो गोला लोड करके बस छोड़ दिया गया, वेल्ड कर दिया गया परमानेंटली, इनको मोस्टली सबको बंद कर दिया गया भाई पीछे से, है ना। तो एक तो वो खुली थी जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई आपको, बाकी इनको बंद कर दिया गया है, जो भी इनका मैकेनिज्म था फ्रीज कर दिया गया है सारा, ताकि कोई छेड़खानी ना हो अभी इनके साथ, मिसयूज ना हो जाए इनका,
तो इसलिए अभी इनको बंद कर दिया गया। ये है ऑटोमेटिक, है ऑटोमेटिक, इसकी हाइट वगैरह एडजस्ट कर दी जाती है। और ये देखो यार, मतलब इतना पुराना है और इसका अभी तक, इस पेच को देखो, इस नट को, ये स्क्रू जो है पित्तल का है, ये कुछ नहीं बिगड़ा। इसकी शाइन देखो, ये देखो, ये पित्तल है, इसकी शाइन देखो यार, कमाल है। मुझे लग रहा है ये, और इसके सामने ये चर्च है एक पुराना, तकरीबन 500 साल पुराना चर्च है। ये भी 500 साल से ज्यादा ही हो गए, मतलब हाँ तक ऑलमोस्ट 500 साल के आसपास हो गए इसको बने हुए। तो ये चर्च है, वैसे अंदर का दरवाजा खुला है, बट बाहर वाला बंद कर दिया गया है, ताला लगा हुआ है इस पर फिलहाल। और हाँ, अंदर वाला तो खुला है भाई, अभी भी जो बड़ा है मेन लाल दरवाजा। तो भाई अभी जहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ उससे ऊंची सिर्फ दो जगह और रह जाती हैं इस किले में। कौन सी कौन सी? एक तो ये लाइट हाउस, ठीक है, एक तो सिर्फ ये एक लाइट हाउस है जो यहाँ इस स्पॉट से ऊंचा है, और एक ये पत्थर रहा है बस। सबसे बड़ी तो भाई इस किले की जो है, इसमें ये इस एरिया में है, एक दो, वो जो साइड में पड़ी है जो, वो मेरे को सबसे लंबी लग रही है, सबसे लंबी बड़ी वो लग रही है इनमें। और यहाँ भी है काफ़ी सारे कैनन्स, यहाँ पे भी लगे हुए हैं, इनमें भी लगे हुए हैं, एक वो उधर, यहाँ भी एक यहाँ भी पड़ा है, शायद सूर्य की रोशनी में नहीं दिख रहा, बट कैनन्स के तो इसमें कमी है ही नहीं भाई, इतनी सारी तोप रख रखी है इसके लिए। तो दीव जो है, दीव एक आइलैंड है जो गुजरात में आता था, जो गुजरात की सल्तनत थी, सुल्तान अहमद शाह जो उस टाइम के थे, उनके जो सल्तनत चली आ रही थी उसमें आता था। जब पुर्तगालियों को यहाँ के इस रूट का, सी रूट वगैरह का पता लगा और इसके इम्पोर्टेंस का समझ में आया कि दीव कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम बॉम्बे तो था नहीं, वो बाद में डेवलप किया गया था उस, तो स्ट्रेटजिकली ये दीव का लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए पुर्तगालियों ने काफ़ी टाइम से इसके ऊपर नज़र थी। उन्होंने बार बार यहाँ आके उनसे बातचीत करने की कोशिश की, जो यहाँ के सुल्तान थे उस टाइम के, बहादुर शाह। उन्होंने 1535 में पुर्तगालियों को यहाँ एक ये किला वगैरह बनाने की इजाज़त दे दी, तो उसके बाद से पुर्तगालियों का कभी मतलब दबदबा कम हुआ ही नहीं यहाँ इस जगह पे। और 1961 में इंडियन फोर्स ने पुर्तगालियों से इसको आज़ाद करवाया, वो भी किस लिए, उन्होंने यहाँ पुर्तगाली वगैरह इतना कुछ खास इन्फ्लुएंस उनका बचा नहीं था बॉम्बे के डेवलप होने के बाद, क्योंकि बॉम्बे की इम्पोर्टेंस उस टाइम ज़्यादा थी एज ए सी पोर्ट, दीव की कम हो गई थी, तो यहाँ सिर्फ इतनी हलचल कोई बची नहीं थी, सिर्फ बस वही थोड़ा सा रिलीजियस कुछ मोटिव इसका इम्पोर्टेंस रह गई थी इस जगह की, तो इसलिए पुर्तगालियों ने भी इसका ज़्यादा लूट लिया, जाने में भेजा रहा था। 1961 में इंडियन फोर्स ने जितना भी पोर्चुगीज रूल था, जैसे गोवा में था, इधर दीव में था और भी एक जगह था, वो सारा ख़त्म किया, तो उसके बाद से इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 26 दिसंबर 2020 को इसमें दादरा नगर हवेली में मिला दिया इसको, तो इन सबको मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब ये था यहाँ का दीव का फोर्ट, और काफ़ी अच्छा है, तकरीबन 500 साल पुराना, 1535 में बना था, अभी तक खड़ा है भाई। ये वीडियो तो होगी भाई काफ़ी लंबी, और इसको करते हैं अभी ख़त्म। आप लोगों से मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे। आज हम जालंधर बीच गए थे और देव फोर्ट, ये दो चीज़ें हमने कवर की। कल देखते हैं जितना भी हो पाएगा, कल मैक्सिमम कोशिश करेंगे कवर करने की, फिर भी ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है कि एक ही दिन में हमें ख़त्म करना है, हो सकता है एक दिन और भी लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा टाइम लगे, जल्दबाजी के चक्कर में मैं एक बार बीमार हो गया था। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक कीजिए, और कुछ कमी लगी है तो कमेंट्स में बताइए मेरे को कि ये कमी है भाई, इसको ये चीज़ इम्प्रूव करो, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा डेफिनेटली। आगे की वीडियोज़ देखने के लिए और आने वाले गिवअवेज में पार्टिसिपेट करने के लिए मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चेक करो, अभी नहीं किया तो कर लो। हाँ, और
बेल आइकन को भी प्रेस कर लो यार, सब्सक्राइब कर रहे हो तो इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आप वीडियो मिस नहीं करोगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।